सो हाय गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू आर वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस, कीप सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियो एंड अगर हो सके तो शेयर भी करो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस लाइन पे, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए इसके बारे में। तो भाई, ये बेसिकली मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आप ही के वजह से आज मैं उधर हूँ। आप ही मेरे को चाहें तो आगे ले जा सकते हैं, आप ही मेरे को चाहें तो इधर ही रुक सकते हैं। तो सब कुछ आपकी मर्जी में है, आपके हाथ में है। सो गाइस, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो एंड शेयर भी कीजिए। तो गाइस, बेसिकली मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था DME, GME एंड मेरीन इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। और उसके बाद भी बच्चों का वो एक डाउट आ रहा है भाई, वो लोग समझ गए भाई GME क्या चीज़ है, वो लोग समझ गए मेरीन इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। उसके बाद भी बच्चों का बहुत सारा डाउट्स आ रहा है कि भाई DME क्या है। मेरे को बहुत सारा मैसेज आ रहा है, जो कि डिप्लोमा अभी रिजल्ट निकला हुआ है, जो कि डिप्लोमा मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं DME कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिप्लोमा का अभी रिजल्ट निकला हुआ है शायद, तो इसी वजह से एडमिशन स्टार्ट हो गया होगा। तो बहुत बंदे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई DME कोर्स के ऊपर। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ DME कोर्स के बारे में, सिंपली आप जैसे समझ सकते हैं, मैं उस टाइप के बता रहा हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल। पहली बात यह है कि DME 2 ही साल का कोर्स है, ये आपको भी मालूम होगा। तो DME का जो फुल फॉर्म होता है, दैट इज़ डिप्लोमा इन मेरीन इंजीनियरिंग, ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल के बाद आपको क्या करना पड़ता है ना, आप जब कोई भी इंस्टीट्यूट है प्री सी ट्रेनिंग अपना कर लेते हो, DME कोर्स अपना 2 साल का ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद आपको MEO क्लास 4 पार्ट ए एग्जामिनेशन एक होता है, उसको अपीयर करना पड़ता है, ठीक है। उसको अपीयर करने के बाद आपको 6 महीना जो कि ड्यूली डॉक्यूमेंटेड सी सर्विस के लिए आपको जाना पड़ता है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ्स के बाद आने के बाद आपको MEO क्लास 4 पार्ट ए एग्जामिनेशन आप पहले दे चुके हैं सी सर्विस से आने से पहले, आपको पार्ट बी एग्ज़ाम देना है। अगर आप पार्ट बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको आज क्लास 4 आपको प्रमोट किया जाएगा और आप आज MEO क्लास 4 के हिसाब से आप सेलिंग मार सकते हो 12 महीना। वैसे ही 12 महीने के बाद आप फिर से आओगे, MEO क्लास 2 का प्रिपरेशन करेंगे, जो कि MMD का एग्ज़ाम होता है, क्लास 2 का प्रिपरेशन करोगे, क्लास 2 का एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिर से 18 महीने का सी सर्विस एक रहेगा, वो चीज़ ख़त्म होने के बाद आप फिर से आओगे, क्लास 1 का एग्जामिनेशन दोगे और उसके बाद आपको धीरे धीरे आप प्रमोट होगे चीफ इंजीनियर को। तो इस टाइप का जो कि सिंपल प्रोसीड्योर रहता है सभी का, ठीक वैसा ही रहता है। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि DME करके क्या फ़ायदा, GME करके क्या फ़ायदा, मेरीन इंजीनियरिंग क्या फ़ायदा, तो भाई इस कोई किसी पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरीन इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, ठीक है, GME 1 साल का होता है, DME 2 साल का होता है। आप जितने साल का भी कोर्स करो, सिंपल सी बात है, आप आकर उसी एक ही जगह पे पहुंचोगे भाई, क्लास 4 पे सभी आकर एक ही जगह पे पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस घूमना है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा, कोर्स के हिसाब से आपको घूम फिर कर उधर ही सेम जगह पर आकर रहना है, और सैलरी भी कुछ डिफरेंस नहीं है। आप DME करो, GME करो या फिर मेरीन इंजीनियरिंग करो, सैलरी पर कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर मैं बता दूं कि आप अगर पूछ रहे होंगे कि कौन कौन सा कॉलेज करवा रहे हैं, HIMT, मेरे को जितना मालूम है HIMT एक अच्छा कॉलेज है, DME करवाता है, भैल्स यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा कॉलेज है जो कि DME करवाता है, और आप उधर जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छे के अच्छे कॉलेज हैं। और प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्टस अगर आप पूछ रहे हो कि DME पे प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो बेसिकली देखिए, अगर कोई बंदा BTech करके निकलता है और एक बंदा डिप्लोमा करके निकलता है, अगर एक कंपनी आया है वहाँ पे एक डिप्लोमा बंदा है और एक BTech बंदा है, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही मालूम है कौन मिलेगा, जो भी हो BTech वालों को मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस। तो बेसिकली जॉब होता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होता है, जॉब हो रहा है पर ढूंढना पड़ेगा, या फिर कॉलेज में कैंपस मिल जाए तो भी अच्छा है, पर फिर भी ढूंढना पड़ता है भाई, सभी जॉब्स ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से ही सब कुछ मिलता है भाई, सिंपल सी बात है। तो आई थिंक मैंने आप सभी को क्लियर कर लिया है ये चीज़ की क्या चीज़ है DME। अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मेरे थ्रू से भी जो करना चाहते हैं DME कोर्स ज्वाइन वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो एंड गिव अ थम्स अप, क्योंकि भाई देखो, लाइक करोगे, शेयर करोगे, दूसरों को भी पता चलेगा भाई, इसी वजह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, थैंक यू।